एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। सो ये है एक नया हॉल वीडियो ऑल अबाउट H&M हॉल। H&M का हॉल मैं पहली बार कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी H&M का हॉल नहीं किया है, जबकि मैंने वहाँ से कपड़े बहुत बार खरीदे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हॉल टाइप का बहुत पैकेज में नहीं लिया जो मैं आपको एक साथ दिखा सकूं। इस बार वो टाइम आ चुका है। मैं आपको बहुत सारा नया H&M का समर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ इन दिस वीडियो। जो भी चीज़ें आप देखोगे वो सब इनके अभी लेटेस्ट कलेक्शन में जो आई हैं, एटलीस्ट लखनऊ शोरूम में, उसमें से मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें ली हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हो, ये टॉप है। आई कैन नॉट एग्जैक्टली से कि इसको एक टॉप ही कहेंगे या नहीं, बिकॉज ये पहले से एक ओवर साइज्ड टॉप की वेराइटी में मिल रहा था। लाइक इसके जितने भी साइजेस थे उसमें सबसे छोटा साइज जो मुझे आता है, बेसिकली ज़्यादातर मुझे मीडियम या लार्ज साइज आता है, लेकिन ये मैंने आई थिंक स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया है, बिकॉज ये ओवर साइज थे पहले से ही। सो अगर स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल ही इतना बड़ा है तो आई थिंक शायद ये टॉप ही ऐसा बना होगा कि इसकी फिटिंग कुछ ओवर साइज हो, इसका लुक कुछ ओवर साइज हो। एंड इसी रीज़न की वजह से इसे मैंने ड्रेस की तरह पहना है राधा देना टॉप। आप इसे टॉप की तरह भी बिल्कुल स्टाइल कर सकते हो। ये ड्रेस ऑलरेडी मुझे घुटने से हल्का सा ऊपर आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ कोई जीन्स या कुछ ऐसा पेयर करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। दैट इज वाई इसके नीचे मैंने इन शॉर्ट्स के साथ में स्टाइल किया है इस टॉप को। इस तरीके के शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं और कुछ एक साल से चल रहे हैं, आई थिंक एक दो साल से, और इनको शायद कुछ बोला जाता है बेकर शॉर्ट्स। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने गूगल भी किया था और मेरे दिमाग में भी बेकर करके इसका नाम चल रहा था, बट गूगल पे भी इट्स रिटन बेकर शॉर्ट्स, लेकिन उसके साथ साथ स्किन फिट या स्किनी शॉर्ट्स भी लिखा है। सो मे बी स्किनी शॉर्ट्स भी आप इन्हें कह सकते हो, बिकॉज ऑफकोर्स इनकी जो फिटिंग होती है वो एकदम स्किन टाइट होती है, आपका प्रॉपर ऐसे शेप दिखता है ये इस तरीके के शॉर्ट्स हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल वियरिंग दीज शॉर्ट्स, और ये कुछ ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लोग जो कि ऐसा कुछ कैरी कर सकते हैं वही पहनते हैं। एंड इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था ये। बाय द वे यू विल सी प्रॉपर स्टाइलिंग ओवर हेयर, क्योंकि मैंने इन वीडियोज में रील्स बनाई है और आउटफिट्स की प्रॉपर स्टाइलिंग की है, तो आपको अच्छे से इस वीडियो में इस आउटफिट की लेंथ भी दिखेगी और प्रॉपरली दिखाई देगा कि ये आउटफिट आखिर है कैसा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, तो ये जो टॉप है ये मुझे पड़ा 1499 का, और जो ये शॉर्ट्स हैं ये मुझे पड़े 799 के। नेक्स्ट अप इज दिस टॉप। ये टॉप नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि ये यहाँ पे टाई हो गया है। ये एक जैकेट की तरह था, और नॉट इवन जैकेट एग्जैक्टली, श्रग इज़ द राइट वर्ड आई थिंक, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बटन नहीं है जैकेट वाला, और यहाँ पे नॉट है ये जिसको आप ऐसे टाई कर लो। सो ये इस तरीके से वी शेप बन के आता है, जिसके अंदर आप कुछ भी पहन सकते हो, वट एवर यू लाइक। और ये बहुत ही, मतलब इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, जो क्लॉथ है इसका इट सीम्स लाइक जो खादी वाले कपड़े नहीं होते हैं वैसा कपड़ा ये लग रहा है मुझे, बट आई एम श्योर कि खादी नहीं, कॉटन होगा, ये फील वैसा हो रहा है। क्रीम कलर का ये मैंने लिया है, दिस इज़ क्रॉप ऑफकोर्स यू कैन सी। और इसके साथ आई एम वियरिंग दिस जीन्स, जीन्स भी सेम कलर की लिए मैंने, जस्ट टू मेक अ कॉम्बिनेशन। इसका कलर भले ही डिफरेंट है, लेकिन जो इसको फील करके टेक्सचर पता चल रहा है वो प्रॉपर जीन्स वाले कपड़े का ही पता चल रहा है। एंड इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल टू, नीचे से इसमें वो डेल बॉटम वाला शेप है। मैंने ये बकेट हैट भी स्टाइल की, जो कि इस आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छी जा रही है एज यू कैन सी। ये बकेट हैट जो है ना, ये इसमें ऐसा स्टाइल है, यहाँ पे यू कैन सी बीच से ये सी थ्रू सॉर्ट ऑफ है, पूरा लाइक पूरा कवर्ड वाली नहीं है, बट डेफिनेटली स्टाइलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आजकल बकेट हैट्स इतनी इन है कि मुझे लगा कि डेफिनेटली स्टाइलिंग के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ ये चली जाएगी, और जो कि जा भी रही है। देन मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ जो मैंने इसी आउटफिट के साथ स्टाइल की है, और वो है ये
फुटवेयर दीज आर सॉर्ट ऑफ हील्स क्योंकि इसकी इतनी सी हील है, लाइक बहुत ज़्यादा हील नहीं है, इतनी ही है, बट आप इसे फिर भी हील कह सकते हो. और इसमें अगेन टाई करने के लिए ये रोप सॉर्ट ऑफ है जो कि इसे बहुत स्टाइलिश बनाती है. मुझे इसके कलर ने और जो इसका स्टाइल है ये रोप वाला, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, विच इज़ वाई आई बॉट दिस. अब बात की जाए इन तीनों की कॉस्ट की. ये जो फुटवेयर है ये मुझे 1999 के पड़े. ये बकेट हैट कॉस्टेड मी फॉर 999 रुपीज. देन ये क्रॉप श्रग मुझे पड़ा 1299 का. और जो ये जीन्स है क्रीम कलर की, ये मुझे पड़ी 1499 की. इसी जीन्स के साथ मैंने ऊपर ये वाला श्रग हटा करके एक क्रॉप शर्ट भी स्टाइल की थी, जो आप आगे देखोगे. ये रही वो क्रॉप शर्ट जो कि मैंने सेम जीन्स के साथ पेयर अप की है. ये डार्क ब्राउन कलर की है. सो ये जो क्रीमिश टेक्सचर कलर है जीन्स का, उसके साथ ये बहुत जा रही है. एंड अगेन बीज कलर या क्रीम कलर जो भी आप बोलो, सेम कलर की बकेट हैट के साथ भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है. एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग सेम, पता नहीं आपको कैसे दिखाऊं, सेम हील्स जो कि मैंने आपको रेड वाली दिखाई थी. तो उसका पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है. अगेन यू विल सी हियर. एंड ये जो क्रॉप शर्ट है ये मुझे बहुत ही सही प्राइस पे मिल गई. ये मुझे 799 की पड़ी एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे काफ़ी सही लगा. मटीरियल एंड एवरीथिंग बहुत ही लाइक अगेन कंफर्टेबल है और बेसिक जो शर्ट का कपड़ा होता है वैसा ही कपड़ा है और क्रॉप है तो बहुत अच्छे से स्टाइल भी किया जा सकता है. नेक्स्ट अप इज दिस पैंट. ये नहीं है H&M का, डोंट वरी. ये मैंने दुबई से टी शर्ट ली थी बट दिस पैंट्स आर फ्रॉम H&M और आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी सो इधर दिखेगी प्रॉपर पैंट. एंड इसका टेक्सचर मैं अभी चेंज करती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाती हूँ पास से. चेंज अप रियल क्विक, इसकी बाद में करेंगे. ये भी H&M का ही है. अभी टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये पैंट सॉर्ट ऑफ प्लाजो है. एज यू माइट हैव ऑलरेडी सीन कि इसमें भी नीचे बेल का शेप है, बेल बॉटम का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा. और ये सी थ्रू है इसका जो क्लॉथ है, अगर इसमें समझ में आ रहा हो तो ये एकदम सी थ्रू है. बट इसमें अंदर से ना दिस पैंटी सॉर्ट ऑफ अटैच्ड, जो भी आप इसको बोलो, ये अटैच्ड है अंदर से प्रॉपर इसका क्लॉथ पूरा, सो दैट इस एरिया से ऑफ कोर्स सी थ्रू ना हो या फिर किसी को अंदर से कुछ अलग से पहनना ना पड़े. मैंने जब इसको देखा था तो मैं यही सोच रही थी कि अरे इसके अंदर से तो कुछ पहनना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज होल नेट. लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा कि इसके अंदर ये पैंटी लाइनर सॉर्ट ऑफ है तो फिर आई वॉज लाइक कि हाँ, देन दिस इज अ नाइस ऑप्शन. और ये मुझे पड़ा 1499 का. और ये ऐसे मल्टी कलर सा भी है. मल्टी कलर मतलब सारे न्यूट्रल कलर्स ही हैं बट बहुत ही वाइब्रेंट से कलर है तो बहुत ही अच्छी समर वाइब देता है ये. देन दिस देयर्स दिस स्कर्ट जो कि स्केटर स्कर्ट है. आई होप दिख रही हो ढंग से, मुझे कैमरा से दूर जाना पड़ा इसको दिखाने के लिए, सो आई होप आवाज़ ढंग से आ रही हो. ये इसके ऊपर चेक पैटर्न है और स्केटर स्कर्ट्स भी आजकल काफ़ी इन है. ये बेसिकली आप उस स्कर्ट की तरह समझ सकते हो जो स्कूल वाली स्कर्ट्स नहीं होती जो स्कूल गर्ल्स पहनती हैं, जिसपे प्लेट्स भी होती हैं बनी हुई, सो इस पर भी वैसी प्लेट्स हैं. एंड ये काफ़ी मिनी स्कर्ट है, मिनी स्कर्ट्स में आएगी ये. और क्योंकि ये इतना इन थी एंड मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी तो मुझे H&M में जब ये दिखाई दिया था कि इसको ले लेना चाहिए फाइनली, ये बहुत से आउटफिट्स के साथ जा सकती है और बहुत अच्छी भी लगती है. लेकिन सी इस टी शर्ट के साथ भी कितनी अच्छी लग रही है. और ये मुझे मिली 1499 की, अगेन सेम प्राइस जितने में मुझे वो प्लाजो बॉटम वेयर मिला. तो यप, आई थिंक That is it for the haul today. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आया तो प्लीज़ let me know in the comment section below. आप मुझे मेरे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो. मेरा Instagram हैंडल है वन गर्ल हर जर्नी. वहाँ पर आप आकर के मुझे बता सकते हो कि आपको इस तरीके की वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आप और देखना चाहोगे या नहीं. और मैंने Instagram पर बहुत सारी रील्स भी डाली हैं या अब मैं डालूंगी आफ्टर दिस वीडियो, सो आप वो भी देख सकते हो फॉर प्रॉपर स्टाइलिंग टिप्स. उसके साथ साथ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई पोस्ट अ वीडियो.
आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।